से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं पैरलोग्राम। ये है पैरलोग्राम का सिंबल, और ग्राम आगे लगा दीजिएगा तो समानांतर चित्र बन जाएगा। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, जैसे ये वाला अगर ए होगा तो ये भी ए होगा, ये बी होगा तो ये भी क्या होगा, बी होगा। इससे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपके मेंसुरेशन के हिसाब से देखें तो एरिया से रिलेटेड अगर जानना चाहते हैं तो दो चीज़ें, इसकी हाइट आपके पास अगर दी होगी इनके बीच का, इसको 90 डिग्री, मतलब दो भुजाओं के बीच की दूरी मान लीजिए एच वन है, तो हम इसको बी इंटू एच वन कर लेंगे। और हो सकता है हाइट ये भी हो सकती है, कभी कभी हाइट इधर से भी दिया रहता है, ये वाला हाइट, अगर ये वाला हाइट का नाम हमने एच टू रख दिया तो एरिया इसका निकालने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला हो सकता है ए इंटू में एच टू होगा, और ये दोनों एरिया ही है ना, ये भी एरिया ये भी एरिया, तो हम एक फार्मूला और ही बना सकते हैं इसमें तीसरा, कि बी इंटू में एच वन बराबर ए इंटू में एच टू। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, हाइट दोनों हाइट दिया होगा, एक साइड दिया होगा, दूसरा वाला साइड आपसे पूछ लेगा, ऐसा भी बनता है क्वेश्चन रेयर में आपको। तीसरा एरिया निकालने का और एक फार्मूला होगा, एरिया एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए क्योंकि इसमें एरिया ही आता है, तो एरिया निकालने का एक और तरीका हो सकता है कि इसमें अगर कभी डायगोनल दे दे आपको, सपोज करिए इसके लिए और एक तरीका समझिएगा, मान लीजिए ए दे दिया ये बी दे दिया तो ये भी ए होगा ये भी बी होगा, और समझिए कि एक डायगोनल आपको सी दे दिया, तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि एरिया निकालने का हम ट्रायंगल इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी, तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे एरिया, और इसमें दो से गुणा कर देंगे, इससे भी एरिया हमारा निकलता है, ये वाला फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास अगर कोई हाइट नहीं दिया होगा ना तो इन तीनों भुजाओं के हेल्प से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इसी का दो से गुणा कर देंगे, क्योंकि जो इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया बराबर हो जाता है, डायगोनल जो होता है इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है, दो बराबर हिस्सों में इसको बांट देता है डायगोनल, इसके लिए हम एक ट्रायंगल का एरिया या तो इधर वाला या तो इधर वाला, कोई भी अगर ऐसा डायगोनल होता तो इधर इधर वाला एरिया को निकाल सकते थे, जैसा भी डायगोनल दिया हो उसके दोनों में से किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका डबल कर सकते हैं। ये वाला एंगल बाइसेक्टर होता है, ज्योमेट्री के हिसाब से देखना तो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। ठीक है ठीक है, एरिया का एक चीज़ और इसमें समझ सकते हैं एरिया के बारे में, कि ए बी साइन थीटा भी हो सकता है, ए बी साइन थीटा का मतलब इन दोनों का गुणा किया जाए और ये थीटा जो वाली वैल्यू आ जाएगी ना, ये थीटा अगर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ए बी साइन थीटा से भी हमारा काम चल जाता है, अगर ये थीटा मतलब ये दिया हो ये दिया हो ये दिया हो कोई भी दिया हो एक नहीं पूरा कोड, थीटा का मतलब यहाँ हम अल्फा लिख देते हैं, अल्फा मतलब या तो ये अल्फा दिया हो या तो ये दिया हो, कोई भी एक कोड दिया होगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया के लिए सारी चीज़ें होंगी, बस क्षेत्रफल निकालने के लिए, अगर मान लीजिए ये वाली भुजा और ये वाली हाइट दिया होगा तो इससे निकाल लेंगे, ये वाली भुजा और ये वाली हाइट दिया होगा तो इस वाले से निकाल लेंगे, अगर ये दोनों में से हमको दोनों भुजा दे दे एक हाइट दे दे दूसरी वाली हाइट पूछ ले तो इस हाइट को अलग तरीके से भी नाम लेकर बोलता है क्वेश्चन में, कि दो भुजाओं के बीच की लंबी दूरी, इसका मतलब वो हाइट ही है। ठीक है, दो भुजाओं के बीच का 90 डिग्री वाला जो दूरी होगा ना हाइट होता है, इसमें से हो सकता है इधर वाला दोनों में से तीन दे दे एक पूछ ले आपसे, या एरिया निकालने के लिए आपको ये भुजा तो दिया रहेगा डायगोनल दे दिया रहेगा तो हम इससे निकालेंगे ट्रायंगल से फिर निकलेगा, और या तो हमको ये दोनों भुजाएं दिया हो और एक कोण दिया हो, कोई भी एक कोण, इन चारों में से कोई भी कोण दिया होगा वो पूरा कोण यहाँ रखेंगे साइन के साथ, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास केस, एक दो तीन चार केस होगा एरिया से रिलेटेड। ठीक है, और इनमें एक और फॉर्मूला निकल सकता है आपका, कि जैसे अगर हमारे पास इसके डायगोनल दोनों अलग अलग होते हैं, डायगोनल सेम नहीं होते हैं, जैसे ये वाला अगर डी वन है ना तो ये वाला हमारे पास डी टू है, तो एरिया के लिए एक और फार्मूला हम लिख सकते हैं, एरिया के लिए क्षेत्रफल के लिए हाफ डी वन डी टू साइन थीटा, और ये वाला थीटा इस बार इनके बीच का होगा, ये वाला हो सकता है ये वाला हो सकता है ये हो सकता है, कोई भी इन चारों में से कोई भी कोण दिया होगा तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं। यही थीटा साइन थीटा नहीं होता है रोम्बस में, क्यों नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ साइन 90 डिग्री होता है, ये वाला जब रोम्बस होता है तो 90 होता है तो साइन 90 का मान एक हो जाता है, इसलिए फार्मूला में से इतना ही लिखते हैं हाफ डी वन डी टू, लेकिन इसमें 90 होता नहीं है तो 90 हर केस में पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ हम थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू दिया होगा वो वैल्यू रख सकते हैं, तो ये छह फार्मूले हमने बस एरिया से रिलेटेड मेंसुरेशन देखा, जो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री से भी है और मेंसुरेशन दोनों का हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये छह के छह चीज़ें आपको याद होनी चाहिए समानांतर चतुर्भुज के लिए, और एक और रिलेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे अगर ये वाली भुजा ए है ये वाली बी है तो ये भी ए होगा ये भी बी होगा, तो डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर बराबर में 4a² + b² ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे सब लोग, यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन कभी कभी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब किसी कुछ पूछना है इसमें तो बताइए हमको। ठीक है, परिमाप की बात करेंगे तो सब भुजाओं को जोड़ लेंगे, परिमाप में यही हो सकता है, और तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ बहुत ऐसा खास नहीं है समानांतर चतुर्भुज। अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखना चाहते हैं तो थोड़ा ये भी जान सकते हैं कि डी वन इज नॉट इक्वल टू डी टू, डी वन एंड डी टू एंगल बाई सेक्टर होते हैं, एंगल बाई सेक्टर होते हैं, एंगल बाई सेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक होते हैं, और जानना चाहते हैं तो इसके ये डायगोनल जो होते हैं ये 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, ये भी समझ सकते हैं, इनके ये जो चारों ट्रायंगल बनते हैं ये एरिया में बराबर बराबर होते हैं, चार होता है या दो, कहाँ पे चार, अच्छा इसको एक बार देख लेता हूँ, चार होता है कि दो, एक बार बना के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला में डी वन डी टू अपोलोनियस थ्योरम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार मैं निकाल देता हूँ फार्मूला, कहीं गलत ना लिख दिया हम, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में टू, ये वाला मान लीजिए डी वन है तो डी वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ये डी टू बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में टू डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर बाई में फोर, तो दो से ये दो कट जाएगा और ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बराबर में डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, तो दो होगा, चार नहीं होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है दो ही होगा। ये अपोलोनियस थ्योरम से प्रूव होता है, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम जो होता है ना, जैसे जैसे मैंने निकाला ना, ये अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं इसको। अपोलोनियस थ्योरम एक ट्रायंगल में लगता है जो मीडियन की प्रॉपर्टी में आता है। अपोलोनियस ने एक थ्योरम दिया था, उस थ्योरम के हेल्प से आप ये वाला रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये कुछ समानांतर चतुर्भुज के बारे में बेसिक नॉलेज था जो आपको बता दिया मैंने, बाकी आगे भी डिस्कस होगा जैसे होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लगता है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं दिया है 12 17 और विकर्ण एक विकर्ण की लंबाई दे दी है, तो इसके क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमको डायगोनल के बारे में दिया है, तो कुछ भी ऐसे बना लेते हैं, चलो समानांतर चतुर्भुज बनाए भी। अगर एक 12 होगा तो ये भी 12 होगा, अगर 17 होगा तो ये भी 17 होगा, ये तो भुजा निकल गई, और एक डायगोनल या तो इधर या तो इधर, कोई भी 25। एंगल के बारे में दिया नहीं, एंगल वाला कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, हाइट दिया नहीं तो हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, और हमारे पास बचा ट्रायंगल का ही फॉर्मूला। इसमें इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम दो गुना कर दें, इस ट्रायंगल का एरिया या इस ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, एक ट्रायंगल जो है ना ये वाला, अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि कोई ट्रिपलेट भी नहीं दिख रहा है, तो इनको जोड़ के देखेंगे अगर, तो 25 और 12 37, 37 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 40, 40 और 54, 54 का आधा कितना हो जाएगा 27, 27 माइनस में 12 तो 8 और 7 15 आ जाएगा, और 27 माइनस 25 2 आ जाएगा, 27 माइनस 17 10 आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ वैल्यू आगे इनको सॉल्व करते हैं, देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे में 3, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 5, और ये 2 हमारे पास पहले से है, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे में 2। देखिए ये 5 हमारे पास 2 बार है तो बाहर आ जाएगा, ये 3 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से भी एक 3 निकल जाएगा बाहर में, और ये 2 से 2 भी निकल जाएगा, इस 2 से 2 तो ये 2 भी निकल जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास 5 3 15 3 45 दूना 90 आ गया, और इस 90 का एरिया इसका आया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी कितना आएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हमने बोला एक का एरिया निकाल के उसमें अगर 2 गुना कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 180 मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो 180 वाला सही होगा, 180 बिल्कुल सही है, कर सकते थे आप लोग। यहाँ तक ठीक है, मेरे सब समझ गए होंगे, अगर ऐसा मिलेगा तो समचतुर्भुज में दिक्कत नहीं आती। देखिए समचतुर्भुज वाले में क्या होता है ना, सभी भुजाएं सेम होती है, विकर्ण दिया रहता है, तो आकृति जो होती है, जैसे अगर कभी भी ये ध्यान रखेगा, ये बताया भी गया था लास्ट वाली क्लास में, कि समचतुर्भुज के अगर हमारे पास मध्य बिंदु जो है ना, मध्य बिंदुओं को मिला के अगर ये वाला बनाया जाएगा कोई भी आकृति, तो ये हमेशा हाफ होगा, आधा होता है, ये आधा होता है, आधा एरिया में ये हमेशा हाफ होगा बड़े वाले का। तो बड़े वाले का जो एरिया है, देखिए वो विकर्ण दिया है 12 और 16, तो इसका जो बड़ा वाला था, बड़े वाले का बड़ा वाला जो होगा वो होगा हाफ 12 गुणे में 16, तो 2 से कट जाएगा 8 बार में, और ये आ जाएगा 96, 96 तो इस बड़े वाले का एरिया हो गया, तो इसका आधा कर लेंगे ना, जो छोटा वाला होगा इसका एरिया निकालना है, तो इस 96 का आधा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 48, 48। अब अगर इसके अंदर भी इसका मध्य बिंदु मिलाएंगे ना, तो ये भी आधा होगा, फिर उसके अंदर मिलाएंगे तो वो भी आधा होगा, और आधा आधा चलता रहेगा, ये जीपी सीरीज में चलता है गर्भन जीपी सीरीज का मतलब समझ रहे हैं, जीपी मतलब पहले बड़े वाले का मतलब अगर 100 होगा तो उसके बीच वाले का 50, फिर उसके अंदर वाले का 25, फिर 12.5, फिर 6.25, ऐसे चलता जाएगा 3.125, लाइव नहीं चलता विद क्वालिटी, हाँ लाइव चलने के बाद आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है और इसके विकर्ण की लंबाई दी है, समचतुर्भुज प्रत्येक भुजा की लंबाई का होगी, भुजा की लंबाई निकालनी है, एरिया दिया हुआ, विकर्ण की एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है, ओके। तो जैसे हमको पता है विकर्ण जो एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ डी वन और डी टू होता है, इसकी वैल्यू 216 दिया हुआ है, तो हाफ एक डी वन की वैल्यू क्वेश्चन में 24 दिया हुआ है, 24 पूरे में डी टू बराबर में हमने 216 कर लिया, तो 2 से कट जाएगा 12 बार में, 12 से 100 काटते 12 एकदम 12, और यहाँ पर जाएगा हमारे पास 9, तो 12 8 96, तो D2 की जो वैल्यू आगे 18 आगे, कितने आगे 18। अब दो चीज़ें हमको पता चल गई, D1 और D2, तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, और अगर नहीं लगाना चाहते ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिए, या तो फिर ऐसे बना लीजिए इसको किसी भी तरीके से, कि जैसे कि एक डायगोनल 18 अगर होगा ना, 18 तो ये आधा बढ़ जाता है, तो ये वाला 9, ये वाला भी 9 हो जाएगा, और एक हमारे पास क्वेश्चन में दिया था 24, तो ये वाला 12 और 12 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री होता है इसमें, तो 9 है ये 12 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 15, तो ये 15 तो सभी भुजाएं 15, क्योंकि सभी भुजाएं इसमें सेम होती हैं, सभी कितनी होती है सेम होती है, किसी को कोई दिक्कत इसमें, 15 होना चाहिए, बहुत कॉमन सा चीज़ है। Thank you.
15 कैसे है, पाइथागोरस से आ गया, जैसे 9 है ये 12 है तो ये 15 है, और नहीं जिनको आता वो पाइथागोरस लगा सकते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है 90 डिग्री, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो आपको काम हो जाएगा, याद रखना 244 225 225 का बाहर निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ट्रिपलेट आता है 18 डायगोनल होगा ना, 18 तभी तो 9 रखते हैं यहाँ पे, और ये वाला 24 दिया था तो 12 रखते हैं, ये आधा होता है ना, ये आधा, ये वाला आधा, ये आधा। लास्ट क्लास देखिएगा थोड़ा ध्यान से उसको, लास्ट क्लास के पहले वाला क्लास है। एक असमानांतर चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यदि असमानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है और दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः दी हुई है। अब ये एक नया चीज आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं असमानांतर चतुर्भुज, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब इसके बारे में भी समझिए क्या होता है, एक नया चतुर्भुज भी आपके सामने आया, इसका नाम है समलंब चतुर्भुज, पहले इसके बारे में जानिए। समलंब चतुर्भुज या असमानांतर चतुर्भुज, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेपेजियम, हिंदी में नाम बदल दिया, अंग्रेजी में नहीं बदलता है, ट्रेपेजियम, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में दिया होगा, नॉन पहले नाम से दिया लेकिन ट्रेपेजियम ही बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। अगर ट्रेपेजियम भी बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रेपेजियम क्या, एक ऐसी आकृति होती है जिसमें दो भुजाएं तो समानांतर होती हैं, दो नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये ऐसा दिखता है कुछ ऐसा, जैसे यहाँ देखें तो ये दोनों तो समानांतर हैं बट ये दोनों समानांतर नहीं है, कभी ऐसा भी हो सकता है, इसमें ये दोनों तो समानांतर हैं लेकिन ये दोनों नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था ये, तो इसमें देखिए ये दोनों तो समानांतर हैं और ये वाले समानांतर वाले नहीं है, कैसा भी बन जाए किसी तरीके से बना, बस उसमें कंडीशन एक ही देखना होता है, ऐसा नहीं हर बार ऐसा ही दिखेगा, कभी भी कैसा भी दिखे, कोई भी चतुर्भुज दिख जाए अगर उसमें बोल दे कि दो भुजाएं समानांतर हैं और दो नहीं है तो वो हमेशा समलंब चतुर्भुज में ही काउंट होगा, ठीक है। वो से प्रैक्टिस इस पर नहीं हो पाएगा, आपकी सिस्टम नहीं दिया गया और उसके लिए यूट्यूब का हेल्प लेना पड़ेगा, फिर वो लैपटॉप से क्लास नहीं पड़ती, फिर ये बोर्ड में नहीं बता पाएंगे, फिर मुझे वो करना पड़ेगा, लैपटॉप से बैठ के क्लास लेना होगा। चलिए ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या पूछा था, ये कैसा दिखता है, मैंने बता दिया। अगर मान लीजिए इस तरीके से बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी, तो इसमें समानांतर भुजाएं होती हैं दो, ये दो समानांतर वाली आ गए, जिसमें बोल दिया कि ए बी जो है डी सी के समानांतर है, इसका ए और इसका नाम बी रख दिया, और ये वाला कुछ भी हो सकता है, दोनों अलग अलग, इनके बीच की लंबिक दूरी होती है, ठीक है, जिसको हमने मान लिया एच है 90 डिग्री, जो समानांतर भुजाएं होती है ना उनके बीच की 90 डिग्री दूरी, ठीक है, जिसको हम हाइट बोल सकते हैं इस वाले ट्रेपेजियम का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मिलता है क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल बनाकर निकाल लेते हैं, या तो फिर आप याद भी कर सकते हैं हाफ ए प्लस बी इंटू में एच, ठीक है, ऐसा याद भी हो सकता है, हाफ ए प्लस बी इंटू में एच, दोनों समानांतर भुजाओं का योग और गुणे में ऊंचाई, इससे भी हमारा काम निकल जाता है। कैसे बनता है, अगर प्रूफ चाहिए तो ऐसे समझिए हाउ टू, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बना हुआ है और ये हाइट दी हुई है, हमने इसको ऐसे मिला दिया, तो ये वाली भुजा बी थी और ये वाली भुजा ए थी और ये वाला एच था, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो अगर ए बी सी डी का एरिया चाहिए, ए बी सी डी का, तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ बी इंटू में एच, इसका एरिया होगा हाफ ए इंटू में एच, दोनों में कॉमन है हाफ एच, तो अंदर में आ जाएगा ए प्लस बी, तो ऐसे फॉर्मूला बन जाता है इसमें, ठीक है। अब जो ट्रायंगल ए बी सी, इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ बी इंटू में एच, इसका एरिया होगा हाफ ए इंटू में एच, दोनों में कॉमन है हाफ एच, तो अंदर में आ जाएगा ए प्लस बी, तो ऐसे फॉर्मूला बन जाता है इसमें, ठीक है, आप जितना ज़्यादा ज़्यादा लाइए, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर है। हाँ, ये कैसे बनाए समझ गए ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकाले और छोटे वाले ट्रायंगल का और दोनों को जोड़ दिया, देखिए हाइट जो ये हाइट है ना, इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट होगी, क्योंकि यहाँ भी हाइट ऐसे बनाएंगे ना, अगर इसको थोड़ा बढ़ा के ऐसे, तो ये भी हाइट इसी के बराबर होगी, इसके लिए भी हाइट मैच रखें, इसके लिए भी रखें, दोनों की हाइट कभी अलग नहीं हो सकती, इसीलिए हम ले लेते हैं। तो ये बेसिक हो गया एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन और यही वाला मेंस में ज़्यादा पूछा था। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया तो इसमें क्या क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये वाला अगर ए है, ये वाला बी है, तो ये वाला ए स्क्वायर होता है, ये वाला बी स्क्वायर होता है, ये ए बी होता है और ये ए बी होता है, एरिया के रेशियो, ठीक है, सिमिलर भी होता है ना, इसमें सिमिलरिटी लगती है, इसमें ये वाला ट्रायंगल जो अगर ओ है ना, तो इसमें एक पॉइंट ये भी होता है, ए ओ बी सिमिलर होता है डी ओ सी के, सिमिलर मतलब इसलिए इनका एरिया स्क्वायर हो जाता है और ये वाला गुणा करके निकलता है ये दोनों, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको क्वेश्चन पूछा जाए, ये दे 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 दे, इससे भी हमारा पास निकल जाएगा। या तो क्वेश्चन एक चीज हमने देखा कि अगर इसमें एक चीज और बना के दिखाएं आपको, एक चीज आपको दिख रहा होगा, जैसे सपोज करिए ये वाला हमारे पास ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, तो ए टू और ए फोर का जो गुणनफल है वो ए वन और ए थ्री के गुणनफल के बराबर है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इनका इनका गुणनफल और इनका गुणनफल इक्वल होता है, देख के देखिएगा, ये भी गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका भी गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो ये भी चीज़ आप नोट कर सकते हैं, इसमें और बहुत चीज़ें बनती हैं लिमिटेड, ठीक है, और वो सब चीज़ें मेन से वाले पढ़ते हैं, आपके एग्जाम में नहीं पूछा, अगर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाता है तो इस तरीके से होगा, कुछ चीज़ें और जान लीजिए, जो बेसिक चीज़ होती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक से बना सकता हूँ, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, अगर इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, जैसे मान लीजिए पी है और ये वाला क्यू है और ये ए है, ये बी है, तो ये पी क्यू होगा ना, ये मिड पॉइंट अगर होगा तो मिड पॉइंट मध्य बिंदु मिड पॉइंट, तो ए प्लस बी बाई टू होता है, कितना था ए प्लस बी बाई टू, अभी अगर टाइम लगता तो मैं इसका प्रूफ भी करता आपके लिए क्यों ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन अभी बस उतना ही बता रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी है एग्जाम में, जहाँ से क्वेश्चन अगर एक भी क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ से नया क्वेश्चन और क्या क्या हो सकते हैं वो सारा चीज आपको ध्यान रखना। अगर इन डायगोनल को ऐसे मिला दिया जाए और इनका एक मध्य बिंदु को मिला जाए, ये मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट डायगोनल का, इसका नाम भी हमने पी एल दिया, इसका नाम भी क्यू दिया, ये फिर ए है और बी है, तो ये इस पी क्यू की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, ए माइनस बी बाई टू, मॉड लगा दिए, क्योंकि हो सकता है वाली वैल्यू छोटी होती है तो पॉजिटिव ही रखना, क्योंकि साइड अभी नेगेटिव हो नहीं सकती, क्योंकि जो बड़ा होगा उसमें घटा लेंगे, ऐसा नहीं कि ए हमेशा बड़ा ही हो, कभी वाली वैल्यू बड़ा हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, जैसा भी, तो ये माइनस वाला आ गया, प्लस वाला आ गया, दो चीज़ें तो ये हो गए, बाकी एरिया हो गया कॉमन। अब इनसे हेल्प से देखते हैं क्या जरूरत है प्रति क्वेश्चन में भी हमको, इस क्वेश्चन बोला दो असमानांतर चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जैसे बोला कि अगर ट्रेपेजियम कोई है तो इनके बीच की दूरी ज्ञात बोला इस एच का मान, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए प्लस बी इंटू में एच, ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो क्वेश्चन ने हमको दिया है कि असमानांतर भुजा का क्षेत्रफल दिया, इस पूरे के बराबर 150 दिया हुआ है और इन दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाइयां 10 और 15 दिया, बोला कि एक की लंबाई 10 है और एक की वैल्यू 15 है, यहाँ लेते हैं हाफ 10 प्लस 15 गुणे एच बराबर में 150, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 बटे में 2 गुणे एच बराबर में 150, 25 से कट जाएगा ये 6 बार में, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12
इसकी वैल्यू बढ़ा जाएगी। ठीक है, थोड़ा इस बारे में जान लिया, चौथे में इतना बहुत है। जिनका जिनका वीडियो नहीं चल पा रहा, बोर्ड नोट्स उस पर सारा होते नहीं, बोर्ड नोट्स बनाने में देखिए बहुत हो रहा है, क्वालिटी कम हो जाती है उसकी। ठीक है ना, इजी था, आगे चलते हैं नेक्स्ट। समतल त्रिभुज, समतल त्रिभुज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, समतल त्रिभुज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखा है, एक समतल त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं, बोर्ड नोट्स बनाने में देखिए बहुत होता है, क्वालिटी कम हो जाती है उसकी। ठीक है ना, इजी था, आगे चलते हैं नेक्स्ट। समतल त्रिभुज, समतल त्रिभुज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, समतल त्रिभुज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखा है, एक समतल त्रिभुज क्षेत्रफल दिया 324 इसके विकर्ण की लंबाई 36 सेंटीमीटर, समतल त्रिभुज प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया है, विकर्ण की लंबाई दी है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। ठीक है, इस बार क्योंकि इसका आंसर तो मैं चाहता हूँ आप लोग बताइए, इतना देर से सीखे हैं, कम से कम इसका आंसर निकाल दीजिए। ऐसा कैसा, इसमें हिंदी में क्यों, अंग्रेजी वाला कहाँ गया? अच्छा अंग्रेजी में है, आगे कुछ अंग्रेजी में, इसलिए अंग्रेजी में डलवा देंगे क्योंकि ऐसे तो कहीं कुछ लोगों को दिक्कत होती है ना इसमें, दो चार क्वेश्चन नहीं है। किसी का आ रहा है? नहीं, ये क्लास यूट्यूब पे नहीं चली, ये तो आपके बैच में चली है, यूट्यूब पे चलेगी वो अलग होगी। अब यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे थोड़ी तभी तो सही है, तो यूट्यूब पे भी आप लोग देंगे क्लास। ठीक है, हो गया, देखा हमें बताएं, एक समतल त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया तो हाफ डी वन डी टू होता है क्षेत्रफल समतल त्रिभुज में, इसको बोलते हैं रोम्बस, जिनको दिक्कत होगी वो ऐसे लिख लेंगे रोम्बस। एरिया रोम्बस इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन डायगोनल इज 36 सेंटीमीटर एंड फाइंड द ईच साइड ऑफ रोम्बस, दो से या 18 बार में, 18 से या 18 बार में, तो डी टू की जो वैल्यू आ गई 18 आ गई, हमने समतल त्रिभुज ऐसे बना लिया। ठीक है, ये बना दिया, ये बना दिया, एक भुजा तो दिया है 36, तो 18 और 18 में बढ़ जाएगा ये, और एक तो आ गया डायगोनल 18, तो ये 9 और 9 में बढ़ जाएगा, ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस लगा लेंगे, ट्रिपलेट नहीं है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब दोनों में 9 का स्क्वायर कॉमन है, तो 9 का स्क्वायर का कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 9 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 का स्क्वायर, तो ये 9 बाहर आ जाएगा, तो 9 और अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर 4 और कितना 5, तो 9 रूट 5 आ जाएगा। सी वाला, ओके, कई लोगों ने लगाया सी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखेंगे आगे, चलिए दो जिसमें क्वेश्चन आ रहा है सभी क्वेश्चन कर डाले आप। समतल त्रिभुज की भुजा और दो विकर्ण में से लंबाई दिया है क्षेत्रफल, अच्छा ये दोनों दिया, ये अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वन साइड एंड वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 14 सेंटीमीटर, मतलब एक विकर्ण भी और एक डायगोनल भी 14 है, ये क्वेश्चन नहीं है कि वन डायगोनल एंड वन साइड ऑफ रोम्बस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वन साइड एंड वन डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 14 सेंटीमीटर, मतलब एक विकर्ण भी और एक डायगोनल भी 14 है, ये क्वेश्चन नहीं है कि वन डायगोनल एंड वन साइड ऑफ द रोम्बस इज 14 सेंटीमीटर, तो वन साइड का मतलब अगर ये 14 है तो 14 तो सभी होंगे क्योंकि इसके सभी साइड तो बराबर ही होते हैं, और बोला एक डायगोनल भी 14 ही है, तो किसी को भी मान लेते हैं कि 90 ये 7 और 7 बढ़ जाएगा, दूसरा वाला हमको नहीं पता, इस बार हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वैल्यू हमको ढूंढनी है। ठीक है, कैसे निकलेगा आप खुद से देखिएगा, जैसे अगर ये वाला 90 है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर, कैसे ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये इस बार 90 में है तो इस बगल वाला घटाना पड़ेगा, कैसे घटाएंगे, घटाने का तरीका समझिएगा, ये घटाने का तरीका क्या होगा, हम इसमें 7 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बच जाएगा, 7 स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर बचेगा, 1 का स्क्वायर, तो 7 तो बाहर आ गया, रूट के अंदर कौन बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, तो 7√3 आ गई, तो ये वाली वैल्यू आ गई 7√3, तो ये वाली वैल्यू भी 7√3 होगी, दोनों सेम सेम होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं, और एरिया पूछा है, एरिया तो एरिया के हमारे पास क्या होता है, हाफ डी1 और डी2 दोनों डायगोनल का गुणनफल, तो हाफ डी1 की वैल्यू तो हमारे पास देखना आ गया 7 7 14, और डी2 की वैल्यू देखिए भी 7 7 14, रूट में बस 3 है, तो 2 से कट जाएगा ये 7 बार में 14 सत्या 98√3, 98√3 एक बटा 2 भी तो है बलवंत, 1 टी बी कैसे आ रहा है, बी कहाँ से आ रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई ये वाली ऊंचाई जिसको बोलते हैं लोग ऊंचाई, ये कितना होता है √3/2a होता है, बोला वर्ग के विकर्ण के बराबर है, वर्ग का जो विकर्ण होता है ना इसके लिए बराबर है, ये जो डी होगा ना इसके बराबर होगा, तो त्रिभुज के और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, तो बराबर से पहले इनको बराबर कर लेते हैं √3/2a बराबर, इसका डायगोनल जो होता है ना ये होता है √2, कैपिटल में लिख दिया इसको √2, ये जरूरी है, जिससे हमको दोनों के भुजाओं की लंबाई, देखिए दोनों को इक्वल कर लिया, तो यहाँ से a अपान में कैपिटल a कर दिया, ये अपान कैपिटल क्योंकि इधर √2 इसका बड़ा करने क्या आ जाएगा √2 और नीचे में आ गया √3, ये इसकी भुजा भी और ये इसकी भुजा भी, अब हमको दोनों में क्या करना है, अब दोनों में हमको क्या करना है कि हमको एरिया निकालना, दोनों के भुजा में निकाल लिया, एक का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a² इसका, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, और दूसरे वाले का जो होता है हमारे पास वो होता है √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होता है सिर्फ ए स्क्वायर जो भुजा निकल गया, तो यहाँ से ये क्या निकला है, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, ये वाला 4 से 4 कट जाएगा ये 2, तो ये आ जाएगा √3, और ये वाला √3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो √3 और 3, तो इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, √3 से ये वाला कट भी जाएगा, तो 2 रेशियो में √3 भी बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2 रेशियो में √3।
इतने कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं अभी, सारे स्टूडेंट लोगों का कॉल है, आज मैंने फोन को सिर्फ साइलेंट नहीं किया, समान थी और इसका एक को 120 था, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, बहुत ईजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं आप। हिंदी अंग्रेजी वाले ही समझेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगल था 90 डिग्री वाला, रेक्टेंगल 90 डिग्री होता है, तो 12 और 8 का था ये, फिर इसको चेंज कर दिया गया, चेंज इनटू रोम्बस, इसका जिसका एक कोण 120 डिग्री दिया हुआ था, तो 8 16 और 12 12 24 24 और हमारे पास 16 40 हो गया, 40 का मतलब ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, कैसे समझेगा, कैसे 10 10 आएगा ये समझते हैं, जैसे इनकी परिधि जो है ना 12 12 24 और ये 16 है, तो सबको जोड़ देंगे तो 40 आएगा, तो इसकी परिधि 40 ही होगी, 40 होगी तो इनको सबको बराबर बराबर रखना होगा, 10 10 रखना होगा, और इसका एरिया के लिए मैंने बताया था कि ये ए स्क्वायर साइन थीटा होता है, जैसे दोनों अगर अलग अलग होते हैं ना, ए बी होता तो ए बी साइन थीटा होता, लेकिन यहाँ दोनों सेम ही है, इसलिए ए स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 100, साइन थीटा का मतलब साइन, अब देखिए साइन थीटा का मतलब जरूरी करके 120 रखें, अब ये वाला 120 है ना, तो ये वाला 60 हो जाएगा, तो 60 वाला भी रख सकते हैं, 120 भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसके सामने वाला 120 होगा और इधर वाला 60 होगा, आमने सामने के बराबर होते हैं, बगल वाले का सामने 180 होता है, तो अब ये रखें कि ये रखें या ये रखें, चारों में से कोई भी रखिए समय से आएगा, तो किसी को 120 का मान नहीं पता हो, तो आप साइन 60 भी रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 100√3/2, 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो 50√3 आ जाएगा, 50√3 आ जाएगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, 120 रखेंगे तो भी वही मानेगा, 60 रखेंगे तो भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, इन चारों में से कोई भी एंगल रखने पर आंसर सेम मिलेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी जो हमारे पास साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इतने रुपए, देखिए 10 रुपये पर मीटर मतलब 1540 रुपये लगा है और 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो मतलब इसका एरिया आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर, अगर 154 आते ही आपके माइंड में आना चाहिए, 154 जैसे होता है 7 हो जाता है, रेडियस और परिमाप और एरिया का जो अनुपात होता है 7 44 154 होता है, अगर हम 154 की वैल्यू दिया तो रेडियस हमको 7 पता चलेगा, फिर क्वेश्चन बोला इसके फेसिंग की लागत 6 रुपये प्रति मीटर की दर से, मतलब फेसिंग वाला ये वाला जो फेस होता है इसका किनारे किनारे वाला जो बाउंड्री होती है, तो 6 रुपये तो इसमें 6 से पूरा कर लीजिए, क्योंकि इसका बाउंड्री जो होता है 44 का होगा, अगर 154 दिया ना तो कितना होगा 44, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 2 26 264 रुपया, ठीक है, इजी क्वेश्चन, ये तो हमारे आपको रेसियो बताना चाहिए, सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे, जैसे हमको दिखा कि 154 जैसे मैंने रेडियस बता दिया 7 होगा, ये 44 होगा 154 पे, अब ये इसको बोलते हैं इसको फेसिंग, ठीक है, या तो फिर बाउंड्री जो भी बोलते हैं बाउंड्री करना है फेसिंग करनी, इस पर 6 रुपये चार्ज है तो 44 रुपये कर लेते, अगर ये कुछ और आता तो उसके हिसाब से देखते, और भी अगर आपके पास है ना और कॉमन चीज और भी समझ सकते हैं कि कभी भी अगर हमारे पास परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो 11 से जरूर कटेगा, जैसे कैसे परिमाप में क्या होता है 2πr, तो 11 से कटने वाला नंबर ही आया उसके अंदर में, तो अगर एक ही ऑप्शन दिया 11 से कटने वाला तो हमारा काम उससे भी निकल सकता है, जैसे कि ये 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा, ये वाला सब 11 से कटेगा तो भी आराम से निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन में सर्कल वाले में परिमाप रहेगा तो परिमाप में सर्कल में पाई आता है, जिससे 11 से काट के देख सकते हैं बिना क्वेश्चन को लगाए भी, लेकिन ये तभी होगा जब एक ही ऑप्शन कटेगा, अगर दो ऑप्शन कटता तो इस तरीके से लगाना पड़ता, तो दोनों आना चाहिए आपको, ठीक है, जुगाड़ दोनों का होना चाहिए, ABCD एक वृत्त आर में अंकित एक चतुर्भुज DABBA कोण का समद्विभाजक, अच्छा ABCD ये तो प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होना चाहिए, क्या ABCD एक वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज, ABCD नाम लिख लेते हैं ABCD, बोला इसका चतुर्भुज मतलब इसका एंगल वाइज सेक्टर, तो एंगल वाइज सेक्टर हो सकता है ऐसे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो नहीं कि यही जाए हो सकता है यहाँ से कहीं भी चला जाए, और DAB ना DAB का और BCD का इसका एंगल वाइज सेक्टर हो सकता है ऐसे यहाँ पे जाए, और ये क्रमशः एक्स पे और ये वाई पे काटते हैं, तो सीधी रेखा एक्स वाई की लंबाई क्या होगी, ये जो एक्स वाई होता है हमारा एक्स वाई की वैल्यू हमेशा 2R होता है, कितना होता है हमेशा किसी भी चतुर्भुज के लिए, रेडियस का हमेशा उसके व्यास के बराबर होता है, अब इसको प्रूव करना चाहते हैं कैसे होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये वर्ग होगा, वर्ग मान के देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं, वर्ग वाले में क्योंकि हर केस में हर चतुर्भुज तो कुछ बताया नहीं चतुर्भुज कैसा है, तो हम वर्ग अगर मान के देखेंगे, अगर प्रूव करना चाहते हैं R2 तो वर्ग में जो एंगल वाइज सेक्टर खींचते हैं ना वो यहीं जाकर मिलता है, और यहाँ से जब खींचेंगे तो यहीं जाकर मिलेगा, और ये तरीके का डायगोनल होता है, व्यास ही होता है, क्या होता है हमारे पास व्यास, कभी भी कोई चीज आपको प्रूव करनी हो तो आप एक ऐसा चतुर्भुज ले लीजिए, कोई कहीं पर एक ऐसी वैल्यू ले लिया जो आपको जिसके बारे में नॉलेज हो, अगर यहाँ चतुर्भुज दिया तो कोई अगर आया होगा तो यहाँ जाएगा, तो इधर नहीं जाएगा, तो अगर सर्कल है तो समय फॉलो करेगा, कैसा चतुर्भुज होगा एंगल वाइज सेक्टर होगा, अगर इसके अंदर में साइक्लिक क्वाड्रेटर बोल सकते हैं इसको, जब चतुर्भुज के सभी सिर क्या होते हैं सर्कल से टच करते हुए जाते हैं इसके परिधि से, तो ऐसे चतुर्भुज को हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से भी आपका नाम से जाना जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके आमने सामने के कोणों का योग जो होता है ना एंगल ए प्लस एंगल सी ये 180 डिग्री होता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है एंगल बी प्लस एंगल डी का भी सामने 180 होगा, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, और इसमें टॉलमी थ्योरम भी लगता है, वाई सेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल भी आता है, लेकिन वो सब चीज़ आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, टॉलमी थ्योरम का यूज यहाँ पूछेगा तो फिर कंफ्यूज होगा, 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे जो नहीं पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन बोला है कि यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त में देखिए सिर्फ इतना ही जानना, क्या क्या जानना समझिएगा, सर्कल के बारे में थोड़ा समझिए, सर्कल से भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है, वृत्त सर्कल एक ऐसी आकृति होती है, किसी एक बिंदु से अगर हम सेम डिस्टेंस लेके एक ऐसा पथ बनाएं, बिंदु पथ जो समान दूरी पर स्थित हो उसके अंदर से, तो इस बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं, या इस आकृति को हम सर्कल बोलते हैं, और ये जो पथ बनता है ना इसको बोलते हैं परिधि, ये क्या होता है हमारा परिधि, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस या फिर परिमाप भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये सेंटर होगा, ये इसको बोलते हैं केंद्र, जहां से वो बिंदु होगा, ये हमारा क्या होता है त्रिज्या, ठीक है, अगर इसके अंदर में कोई ऐसी रेखा हो जिसको काट रही हो अंदर ही अंदर बस, इसको हम बोलते हैं जीवा कर्ण भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, अगर कोई रेखा बाहर से इसको टच करते हुए निकल जाए से, तो ये वाली रेखा होती है टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा,
स्पर्श रेखा, बेसिक चीजें। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, हम क्षेत्रफल से रिलेटेड देखें, तो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और परिमाप की बात करें, परिमाप या फिर परिधि भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये होता है 2πr, ठीक है। ये बेसिक हो गया, बेसिक नॉलेज के लिए बस इतना जानना आपको, बेसिक वाली वैल्यू क्या होती है। इनके बीच का जो अनुपात होता है आर का, पी का, पी मतलब सर्कमफेरेंस या परिमाप, जो भी लिख लीजिए, और ए का, ये फिक्स है 7, 44 और 154 का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जो मिलेगा बताएंगे आपको, ठीक है। और इसके अलावा और जानना चाहते हैं तो सर्कल में कभी कभी छल्ला भी आता है। छल्ला का मतलब समझ रहे हैं कि एक ऐसा खाली दिया रहेगा, छल्ला जैसे हम पहने, या फिर ऐसा कुछ आकृति, या रोड बना दिया जाए सर्कुलर, रेस ग्राउंड वाला जो रोड आते हैं, ऐसा कुछ आता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा वाला रेडियस होता है और एक छोटा वाला रेडियस होता है। तो सिर्फ अगर शेडेड एरिया निकालना हो ना, शेडेड एरिया निकालना हो, तो ये हमारे पास कितना होता है, बड़े वाले का एरिया निकाल के उसमें छोटे वाले का घटा लीजिए, तो दोनों में पाई कॉमन है, तो आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, इससे भी काम चल जाएगा अगर ये छल्ला दे दिया तो। तीसरा चीज के अंदर में आता है कि वृत्त का आधा हिस्सा ही बने, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। अगर यहाँ से आर दे दे तो बस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि ये 360 से 180 हो गया, इसलिए आधा हो गया। और अगर इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप थोड़ा सा बदल जाएगा, परिमाप हमारे पास कितना होगा, 2πr तो होता था पूरे के लिए, 2πr होता था पूरे के लिए, तो अब इसका आधा कर लेंगे, 2πr का आधा कितना आ जाएगा हमारे पास, πr। लेकिन ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का है। अभी एक नया चीज में आ गया, ये लाइन बाउंड्री तो ये भी आ गया, तो ये 2r इसमें और जोड़ देते हैं, 2r और जोड़ देते हैं, ये परिमाप का काम करता है। अगर अर्धवृत्त में ये वाला छोड़ना नहीं, तो आधा ही करना है, तो इसको एक बार और काट देते हैं, एक बार और काट लेते हैं ऐसा, मान लीजिए 90 डिग्री बना दिया, इसको कितना 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, 1/4 हो गया। तो यहाँ पर जो एरिया होगा ना, πr² तो होगा, लेकिन इसमें 4 से भाग देते हैं, और ये परिमाप जो होगा इसको बोलते हैं, ये वाला आर्क, अब इसका आर्क आ जाएगा, आर्क मतलब चाप भी बोल सकते हैं इसको, चाप, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये भी क्या होगा, πr² 2πr का आधा हिस्सा हो जाएगा। और अगर परिमाप की बात बोलेंगे, परिमाप तो ये वाला हमारे 1/2πr, और प्लस इसमें भी 2r जोड़ लेंगे, एक ये वाला आर, एक ये वाला आर, किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी भी आर का एरिया निकाल सकते हैं, बस एंगल पता होना चाहिए। हो सकता है आपके पास ऐसे घुमा दे और इस बार इसका एक हिस्सा और काट के निकाल दिया 45 डिग्री, ये आर है, ये आर है, तो यहाँ पे एरिया इस बार क्या होगा कि πr² तो बड़े वाले सर्कल का होता था, अब उसमें अगर 8 से भाग देंगे तब 45 आएगा, तो ये हो गया। परिमाप जो होता था हमारा, जो ये वाला हिस्सा है आर्क, परिमाप नहीं बोल सकते, आर्क, आर्क जो होगा हमारा, चाप जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2πr का भी 8वां हिस्सा हो जाएगा, 1/4 हिस्सा हो जाएगा πr। अब ये हो गया हमारे पास। और रही बात परिमाप का, तो परिमाप में कोई दिक्कत नहीं है, 1/4πr तो रहेगा, बस 2r एक नया चीज में आ जाएगा, एक ये वाला, एक ये वाला, ये निकल जाएगा। अब ये एंगल अगर आपको दिया ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, कभी ऐसा भी दे सकता है कि हमको ये पता नहीं एंगल कितना है, तो ये थीटा होगा, कुछ नहीं होगा तो आर होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हमारे पास πr². अब बोले अब ये क्या करेंगे, इसको कैसे डिवाइड करें, तो थीटा जो पता होगा उसको 360 में ही तो डिवाइड करते थे, तो ये बन जाएगा हमारा एरिया। थीटा मतलब जो भी होगा, अगर यहाँ 90 रहता तो 1/4 आता, अगर यहाँ 45 रहता तो 1/8 आता, अगर यहाँ पे 180 होगा तो 1/2 आ जाएगा, तो हाफ सर्कल बनेगा। सेम इसी तरीके से परिमाप होगा ना आर्क, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर्क, तो ये भी 2πr होता था पूरे के लिए, पूरे के लिए जो सबका होता था, पूरा सर्कल होता था, अब उसका कितना एंगल होगा उसके हिसाब से ये भी निकल जाएगा 360। अब चाहे उसको 2 से काट के 180 भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आर्क भी निकाल सकते हैं, और परिमाप चाहिए आर और यार जोड़ लीजिएगा, तो ये किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका होगा, और किसी भी सेक्टर का ये हमारे पास आर्क निकालने का तरीका होगा, अगर पूछता है तो, ठीक है। बाकी रेशियो से भी काम चल जाता है हमारा, ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से, ठीक है, वृत्त की जो परिधि है ना, परिधि व्यास मतलब डायमीटर से 15 अधिक, तो इसमें 15 जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते, लिखने का अपना तरीका होता है, लिखने कैसे तरीका होगा, जैसे हमने क्या बोला कि परिधि बराबर हो जाएगी कब, जब इसमें 15 मीटर अधिक है, अगर 15 मीटर इसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, कोई इसको इस तरीके से सोच सकता है कि परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है, तो हम परिधि में अगर व्यास को घटा दें तो 15 आना चाहिए, क्योंकि यदि है तो डिफरेंस 15 होगा, ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये वाला जाएगा तो बात वही बन जाएगी, सेम चीज जैसे लिखना था वैसे लिखिए। तो परिधि कितनी होती है, ये भी देखिएगा, ये होता है 2πr, ये कितना होता है 2r होता है प्लस में 15, इसको इधर लेके आ जाइए, तो 2r दोनों में कॉमन है, तो ये पाई माइनस में 1 आ जाएगा, ये वाला 2r दोनों में था और इधर आ गया 15, तो 2r बराबर ये आ जाएगा 22/7 - 1 बराबर में 15, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 7 घटा लेंगे इसमें से, तो ये 15/7 आ जाएगा बराबर में 15, ये 15 से 15 कट जाएगा, तो 2r की वैल्यू 7 आ गई, तो r की वैल्यू आ गई 7/2 या 3.5, तो ठीक है, बी वाला आंसर सही है। इजी क्वेश्चन था, लेकिन बस थोड़ा सर्कल के बारे में डिस्कस किया, सर्कल की शुरुआत होगी कल से, नेक्स्ट वाले क्लास में सर्कल देखेंगे हम लोग, फिर हम 3D देखेंगे, तो जिससे मेंसुरेशन से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गोलाकार अंगूठी में बताया था हमने कि छल्ला वाला होगा, जो भी मिलेगा सारा मिल जाएगा, जो पूछेगा इसमें से, गोलाकार बगीचा वही वाला है, छल्ला वाला है,